इवनिंग गाइस एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो अभी निकल रहे हैं बीच की तरफ और जैसा कि हम सबको बड़ी उम्मीदें हैं वैलेंटाइन डे से, क्योंकि एक तो लॉन्ग वीकेंड हो गया एक तरीके से, ये सैटरडे संडे एंड देन मंडे में वैलेंटाइन डे है, तो उम्मीद कर रहे हैं सभी लोग इवन कि थोड़ा अच्छा क्राउड आएगा। और अभी बीच की तरफ चलते हैं, थोड़ी सनलाइट पड़ रही है तो थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है क्योंकि आगे कुछ नहीं दिख रहा। तो चलो पहले बीच पे चलते हैं और बीच पे चल के कैसा माहौल है देखते हैं एक बार और दिखाते हैं आपको भी। एग्जैक्टली तो अभी हम खड़े हैं, ये है क्यूबा और ये प्रॉपर्टी अगोंडा में इसी साल ओपन हुई है, तो हम यहीं पे खड़े हैं। अंकल जी रुके हुए हैं यहीं पे, तो वो बोल रहे थे कि एक नाइट मुझे ना बीच साइड देखना है, कैसा वहाँ का फील आता है, किस तरह नाइट इधर रुक के देखना है। हाँ, तो आज वो यहीं पे रुके हुए हैं, बट क्राउड दिख रहा है आज काफ़ी गेस्ट आ रहे हैं। हाँ। जैसा वीकेंड है ना, तो इधर की साइड तो आ रहे हैं, पीछे की तरफ का पता नहीं कैसे हैं जो थोड़े से दूर हैं, बट देखते हैं, बताते हैं आपको, दिखाते हैं। और यहाँ पर तो ये है क्यूबा और यहाँ का पूरा वीडियो तो आपको मोनिका के चैनल पे मिलेगा। पहले अंकल जी से बात करते हैं, वो बैठे हुए हैं आराम से। कैसा फील कर रहे हो इधर? बहुत बढ़िया। पैग रखा हुआ है तो पैग को मत देखना, बस उनके वो चलता है। और कल यहाँ से चेकआउट हो जाएगा, एक दिन का एक्सपीरियंस था, उनको लेना था, तो हमने सोचा कि चलो वो करवाते हैं पहले अरेंज कहीं पर। और बाई लक हमें ये क्यूबा में मिल गई बुकिंग, क्योंकि यहाँ पर यूजुअली फुल ज़्यादा रहता है इसका ये। तो यहाँ से क्राउड देखो आप, सामने कितना क्राउड है। और ये एक हॉर्स जा रहा है, तो ये क्या है, यहीं पे हॉर्स राइड भी कराते हैं। और ये मज़ेदार चीज़ है वैसे तो, जिसको करनी है तो। और बाकी इधर की तरफ भी थोड़ा क्राउड दिख रहा है, फॉरेनर क्राउड अभी ज़्यादा दिख रहा है अगोंडा बीच पे, और इंडियन क्राउड भी आजकल तो ज़्यादा दिख रहा है। वैसे वीकेंड पे ही दिखता है इंडियन क्राउड, बाकी वीकडेज में फॉरेनर क्राउड ज़्यादा दिखेगा आपको। ये अगली सुबह है और अभी हम निकल रहे हैं पालोलिम। तो पालोलिम की एक्चुअल सिचुएशन क्या है वो भी एक बार देख के भी आते हैं, थोड़े काम थे हमने सोचा वो भी करके आते हैं, अपने कुछ सामान वाल लाने घर के छोटे मोटे। और सुबह सुबह नाला की सैतानियाँ देखी, आजकल बॉल के साथ बहुत अच्छे से खेलती है वो, और मन लगता है उसका, अलग अलग आवाजें निकालना सीख गई है, पता नहीं क्या, ऐसा लगता है कोई बच्चा बोल रहा है। बिल्कुल, वो कई बार तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि हमसे बात ही कर रही है। तो बस पालोलिम पहुंचने वाले हैं। तो ये जगह है ना जहाँ पे ये ट्रैफिक के ये लगे हुए हैं, यहाँ पे हर गाड़ी चेक होती है और उसकी डिग्गी खोल के चेक करते हैं सारा। आज नहीं हो रही क्योंकि कल इलेक्शन है इधर, बट डेली यहाँ पे चेकिंग होते थे बहुत ज्यादा, हमारी गाड़ी भी दो बार चेक हुई है। हाँ, सेम पॉइंट पे। देख रहे हो मार्केट में चहल पहल तो थोड़ी कम ही है, पर फिर भी है एटलीस्ट, क्योंकि अभी सुबह के 11 ही बजे हैं और 11 बजे तक अगर इतनी चहल पहल हो जाती है तो अच्छा ही है, अदरवाइज तो बिल्कुल सुनसान पड़ा था कुछ दिन पहले, तो आजकल दो चार लोग दिख ही रहे हैं एटलीस्ट। और अगोंडा पे भी काफी ज्यादा मतलब भीड़ देखने को मिली हमें कल शाम में, स्पेशली जब हम वापिस आए थे ना उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे हमने वीडियो शूट नहीं किया, रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था आते आते,
और अंकल जी का चेकआउट भी हो गया आज, तो सुबह ही उनको चेकआउट करा कर लाए। वहाँ का वीडियो तो मोनिका के चैनल पर आपको मिल जाएगा, कैसा था, कैसा रुकने का प्लेस है वो सारी चीजें का। बाकी अभी बीच पे चल के और एक बार देखते हैं कि क्या हाल है यहाँ के। हाँ, तो ये पहुँच चुके हैं अभी हम पालोलेम बीच, और यहाँ पे तो क्राउड है। हाँ, काफी बीच पे तो क्राउड काफी बीच पे क्राउड दिख रहा है आज इधर की तरफ, और मार्केट साइड थोड़ा हल्का लग रहा था, बट इधर की तरफ अभी दिख रहा है क्योंकि सुबह का टाइम है और पार्किंग फुल है, तो मुझे भी बाहर ही पार्क करके आनी पड़ी गाड़ी थोड़ी देर के लिए। तो इधर की तरफ काफ़ी भीड़ लगी हुई है, काफ़ी लोग दिख रहे हैं, मतलब वीकेंड है, ऊपर से वैलेंटाइन डे है, तो आप खुद देख सकते हो बोट्स यहाँ से जा रही हैं बटरफ्लाई बीच के लिए, और ये इधर की तरफ भी काफ़ी लोग दिखेंगे आपको, आगे जाके भी काफ़ी दिखेंगे, बात ज़्यादातर कुछ लोकल होते हैं जो बोटिंग कराने वाले होते हैं वो भी काफ़ी दिखेंगे आपको यहाँ पर। हाँ, उससे उतना नहीं है, बट पहले से थोड़ा बहुत बेहतर है लास्ट वीक से इस बार। तो ये एरिया तो मैंने बहुत दिखाया काइकिंग करते हुए आप लोगों को, दो तीन बार दिखा दिया। हाँ, तो इस तरह का हो रखा है पालोलेम बीच अभी, और ये इधर गेट है मेन, जो पालोलेम बीच का मेन रोड आता है बिल्कुल बीच पे। बाकी इधर की तरफ ये सारे आपको रिजॉर्ट वगैरह मिल ही जाएंगे। लोग आ रहे हैं अभी, देखो वो भाई साहब बैग लेकर आ रहे हैं सामने, और भी काफ़ी लोग दिख रहे हैं आते हुए। थोड़ा क्राउड तो है बट उतना नहीं जितनी उम्मीदें थी, है ना। हाँ, मतलब वैलेंटाइन डे से उम्मीदों पे वैलेंटाइन डे खरा नहीं उतरा। हाँ, फिर भी चलो कुछ ना से कुछ तो बेटर है इस बार। हाँ, क्योंकि ये देखो आ तो रहे हैं टूरिस्ट। तो घूम फिर के अपने कॉटेज पे आके बैठे हैं अभी, थोड़ा सा इधर के भी काम थे, पीछे पानी वगैरह लगाना था हमें, तो सोचा कि चलो अभी तो है, शाम को लगाना पड़ेगा, बट अभी लेट हो गए, थोड़ा धूप आ गई ना, धूप भी आ गई, और आज सुबह में एक्चुअली पहले वहाँ पे चेकआउट कराना था हमें जाके, और उसके बाद में फिर इधर आए। हाँ, तो थोड़ा टाइम लग गया। अब जो क्राउड है, जो हमने बताया आपको, जो हमने चीज़ें देखी, तो अगोंडा बीच पे भी कल शाम में काफ़ी अच्छा क्राउड लग रहा था हमें, मतलब उतना अच्छा भी नहीं बोलेंगे, बट हाँ फिर भी ये था कि एवरेज क्राउड था, लोग दिख रहे हैं एटलीस्ट। हाँ, जैसे कि वैलेंटाइन डे आ रहा है तो उसके हिसाब से इलेक्शन का असर तो है उसके। हाँ, और आज अगर बात करें अब पालोलेम बीच की, तो हम इसीलिए गए थे घूमने पालोलेम की तरफ के, चलो कॉटेज तक आ रहे हैं तो चलते हैं, देख के आते हैं कैसा है, उधर का भी मार लेते हैं। हाँ, मार्केट वगैरह कैसा वहाँ का है, क्राउड है कि नहीं है, क्योंकि ये टाइम 11 बजे का ना ऐसा होता है, उस टाइम सब लोग नाश्ता उस्ता करके घूमने निकल लेते हैं। हाँ, बीच पे आ जाते हैं क्योंकि ये कायक वगैरह इस टाइम पे ज़्यादा करते हैं, फिर लंच का टाइम हो जाता है तो उस टाइम कम निकलते हैं, और धूप भी हो जाती है, धूप में बीच पे लोग कम आना चाहते हैं। तो पालोलेम पे भी अगोंडा से तो ज़्यादा है ओब्वियसली, लेकिन एवरेज क्राउड है वहाँ पे भी। हाँ, बहुत ज़्यादा ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, या रेगुलर डेज में इतना क्राउड वीक डेज में होता है। हाँ, इवनिंग में थोड़ा सा और ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि मॉर्निंग और इवनिंग में थोड़ा सा फर्क हो जाता है, इवनिंग में लोग बैठना चाहते हैं सनसेट देखने के लिए, तो वो वाला क्राउड ज़्यादा दिखता है, लेकिन वो एक घंटे के लिए होता है, उसके बाद वो सब अपने अपने वापस चले जाते हैं। हाँ, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो लोकल होते हैं, जो इधर उधर से आ जाते हैं, तो ये कंडीशन है। वैसे वैलेंटाइन डे से काफ़ी उम्मीदें थी लोगों को इस बार, बट पूरी तो नहीं, थोड़ी बहुत उम्मीदें उनकी पूरी हुई हैं। हाँ, एटलीस्ट 40% क्राउड तो है ही, जितनी उम्मीद करके बैठे थे उससे। हाँ, सो गाइज होप करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना, और सब्सक्राइब करना चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है, आगे ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।